हेलो एवरीवन, दिस साइड सुखमन। ते अज मैं थोनू करवाण लगी हाँ लिसनिंग दे विच मैप्स आपां किवें सॉल्व करने ने, मैप किवें आपां लेबल करने ने। हुण इत्थे थोड़े कोल एक एग्जाम्पल है, ये मेरे कोल एक मैप है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना सी कि जे साडी लिसनिंग ऑडियो दे विच डायरेक्शन मैनशन कीतियां होणगियां तां थोनू एग्जाम दे विच डायग्राम दे उत्ते एक एवें छोटा जिहा जिहड़ा हैगा डायरेक्शन वास्ते गाइड मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वैसट एंड ईस्ट। हुण फर्स्ट थिंग जिहड़ी मैं करनी है वो ये चीज़ है कि मैं अपना नॉर्थ जिहड़ा हैगा अकॉर्डिंग टू इस मैप दे अकॉर्डिंग मैं इनू लेबल कर लेना। नॉर्थ, वैसट, ईस्ट एंड साउथ। ये लेबल करन तो बाद होर मैं की लेबल करना है दे विच, इत्थे मैं लेबल करूँगी अप, इत्थे मैं लेबल करूँगी बिलो। दिस इज राइट एंड लेफ्ट। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जे हुण मेरे को ऑडियो दे विच डायरेक्शन्स मैनशन हैगियां ने तां ही इत्थे ओहो थोनू गाइड देंगे, डायरेक्शन मैनशन करेंगे। जो डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैगे और लिसनिंग ऑडियो दे विच तां थोनू ये जिहड़ियां डायरेक्शन जिहड़ियां हैगियां अपने आप मैनशन करन दी जरूरत नहीं हुंदी। तुसीं जस्ट राइट, लेफ्ट, अप, डाउन एवं चीज़ा मार्क करनिया ने। हुण ये एग्जाम्पल दे विच अपने को डायरेक्शन है गिया ने, सो मैं इत्थे अपने हेल्प वास्ते एक होर चीज़ मैनशन करूँगी। मैं इत्थे लिखूँगी नॉर्थ वैसट डायरेक्शन कॉर्नर, बिकॉज ये डायरेक्शन केड़ी है नॉर्थ वैसट की। ये डायरेक्शन हैगी है साउथ वैसट। आपां वैसट साउथ नहीं बोलते, आपां बोलते हैं साउथ वैसट डायरेक्शन। सो मैं इत्थे एस डबल्यू लिख दूँगी ताकि मैनू पता रहे कि साउथ वैसट डायरेक्शन केड़ी है। उस तो बाद मैं इत्थे लिखूंगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इत्थे लिखूंगी मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ जो भी मैप दे विच अपने को स्टार्टिंग होंदी है तो अपने को जिहड़ा स्पीकर होंदा उस जो स्टार्ट करदा आपां नूं एक स्टार्टिंग पॉइंट दिंदा। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं उत्थे की करना, सपोज करो मेरा स्पीकर इत्थों स्टार्ट कर रहा है कि मैं क्रॉली रोड दे उत्ते राइट हैंड साइड दे कॉर्नर दे उत्ते खड़ा, ईस्ट साइड ऑफ, तो मैं पता होगा इतने खड़ा। मैं अपनी पेंसिल जिमें जिमें मेरी ऑडियो जी है चली जा रही है उवें उवें मैं अपनी पेंसिल नू मूव करी जाना, ट्रेस करी जाना जिथे जिथे ऑडियो के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शन मिल रही ने। हमेशा हुण तुसीं इत्थे देखो जिहड़े क्वेश्चन दिते हुए ने, हुण इत्थे मेरे को पूछा गया रेनॉल दा हो हाउस कित्थे है, ठीक है। हुण इत्थे मैं ए बी सी डी एवें भरना, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखियो, जिमें थोनू हुण सीकुएंस चल रहा उवें सीकुएंस वाइज उन्हें चीज़ां नू बोलते जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम यही पैटर्न हुंदा कि जिमें अपने कोल क्वेश्चन हुंदा उवें उत्थे ओह मैनशन करेगा। रेनॉल दा होम सब तो पहला मैनशन होगा, दैन थम, दैन म्यूजियम, दैन कंटैम्प्रेरी आर्ट गैलरी, दैन वॉर्नर गैलरी एंड दैन न्यूक्लियस। ये चीज़ा एज इट इज़ लाइन वाइज जिहड़ियां हैगियां मैनशन करेगा मेरा स्पीकर। हमेशा जो भी थोनू कहिंदे ने 30 सैकेंड्स तुहाडे कोल हैगे ने मैप नू चंगी तरह रीड करन लई, हमेशा एक चीज़ देखो ए कित्थे है, बी कित्थे है, सी डी एंड जी एच आई एफ। इन्हां नू सर्कल कर लेना ताकि मैनू पहला पता होवे कि कित्थे कित्थे मेरीआं लोकेशन जिहड़ीआं हैगीआं, मैं इन्हां दे विच्चों मेरे आंसर्स ए सारे ने। जिहड़ी इंपोर्टेंट वोकैबलरी यूज़ हुंदी है मैप दे विच वो मैं इत्थे लिखी हुई है एट द टॉप एट द बॉटम। मीनस एट द टॉप ये मैप है, मैप का टॉप ए हो गया, बॉटम ए हो गया, दैन ऑन द लैफ्ट ऑन द राइट, टू नॉर्थ टू द वैसट वैसट, ठीक है, टू द नॉर्थ टू द वैसट टू द ईस्ट एंड टू द साउथ। ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां ध्यान रखना है, इनसाइड आउटसाइड। हुण ए है जिवें इनसाइड ए हो गया, आउटसाइड दिस, ठीक है, आउटसाइड पब्लिक गार्डन, इनसाइड पब्लिक गार्डन, ठीक है, या फिर बोलेगा जस्ट ऑपोजिट पब्लिक गार्डन, ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ। हुण जिथे गल कर रहे हो बैंक, बैंक दे इन फ्रंट, बैंक दे फ्रंट उत्ते ए है, ए मेरा हो सकता रेनॉल दा हाउस बोले हो, ठीक है, वो ए नहीं बोलूगा, वो बोलेगा जस्ट इन फ्रंट ऑफ बैंक रेनॉल दा हाउस है, ठीक है। बिसाइड दा मतलब हो गया नाल, एंटर वाया। हुण जे मैं इत्थे गल करूँगी तो मैं बोलूँगी कि मैं एंटर वाया, मीनस मैं एंट्री कितों कर रही हूँ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੋਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਟਰ ਵਾਇਆ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਵਾਇਆ ਸਿਟੀ ਰੋਡ, ਐਂਟਰ ਵਾਇਆ ਸਿਟੀ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਨ ਅਲੋਂਗ ਸਾਈਡ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਲਲ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਊਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਏ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਸਟਰੀਟ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਿਸ ਰੋਡ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਗਨਲ, ਡਾਇਗਨਲ ਮੀਨਸ ਡਾਇਗਨਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ, ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਟਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੂਗਾ ਸਟਰੇਟ ਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੇਟ ਵੇ ਮੀਨਸ ਸਟਰੇਟ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਨ ਟੂਵਰਡ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਬੋਲਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਉਵੇਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਨੋਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦ ਥੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਡੀਓ ਲਈ ਅਟੈਂਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। If you want to post queries, please go in the comment section and do subscribe our channel for more related videos.